हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। टुडे वी विल डिस्कस न्यूज़पेपर एनालिसिस डेटेड 10th June। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू वांट टू जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ यूपीएससी एनालाइजर देन यू कैन जॉइन, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है रिगार्डिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। आपको लक्ष्मीकांत में जो प्रेसिडेंट चैप्टर है वो आपको यहाँ पर डिटेल में स्टडी करना है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से रिगार्डिंग प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है वो उसका क्वेश्चन आया था इस बार प्रीलिम्स में। तो वैसे भी आपको प्रेसिडेंट चैप्टर पढ़ना है जो कि लक्ष्मीकांत में है। यहाँ पर जो फैक्ट्स मेंशन है, जो पॉइंट्स मेंशन है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। दैट द नॉमिनी ऑफ द एनडीए विच इज अराउंड 48% वोट्स इन द इलेक्टोरल कॉलेज। तो यहाँ पर जो भी एनडीए कैंडिडेट होगा, एनडीए का कैंडिडेट होगा, तो उसके यहाँ पर विनिंग के चांसेस ज़्यादा हैं। That the nominee of the NDA, which is around 48% votes in the electoral college, will win the presidential race with the help of some friendly parties, जैसे कि BJD of Odisha and YSRCP of Andhra Pradesh. लेकिन यहाँ पर जो opposition है वो भी यहाँ पर contest देने वाला है, जैसा कि last time में दिया गया था। अब election कैसे होता है president का? तो election shall be held with the system of proportional representation by means of single transferable vote. तो किस method से election होता है तो आपको पता होना चाहिए, by the system of proportional representation by means of single transferable vote. एक MP के वोट की कितनी वैल्यू होगी? तो 700 होगी। Those in preventive detention वो भी यहाँ पर वोट कर सकते हैं, और जो जेल में है अगर वो पैरोल पे यहाँ पर बाहर है तो वो भी यहाँ पर वोट कर सकते हैं। तो those in preventive detention can vote and those in jail will have to apply for parole and if they get parole they can vote. अब एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर प्रॉब्लम्स में कि जो पैरोल है वो राइट होता है कि नहीं होता है। तो पैरोल और फर्लो के रिगार्डिंग आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए, तो ये आप स्टडी कर लेना पैरोल और फर्लो में क्या डिफरेंस होता है, कौन सा इसमें से राइट होता है और कौन सा इसमें से राइट नहीं होता है। द इलेक्टर कैन मार्क एज मैनी प्रेफरेंसेज एज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट प्रेफरेंस होता है वो देना कंपलसरी होता है, बाकी प्रेफरेंसेज ऑप्शनल होते हैं। तो वाइल द मार्किंग ऑफ द फर्स्ट प्रेफरेंसेज कंपलसरी फॉर द बैलेट पेपर टू बी वैलिड, अदर प्रेफरेंसेज आर ऑप्शनल। इलेक्टर हैव टू मार्क द बैलेट ओनली विद दिस पर्टिकुलर पेन जो कि उनको दिया जाता है, और वो किसी और पेन से यहाँ पर मार्क नहीं कर सकते हैं। अगर वो किसी और पेन से मार्क करेंगे तो यहाँ पर इनवैलिडेशन हो जाएगा उस वोट का। तो MPs आर एक्सपेक्टेड टू कास्ट देयर वोट्स इन पार्लियामेंट, और यहाँ पर जो MLAs हैं वो यहाँ पर अपने रिस्पेक्टिव स्टेट कैपिटल में ही अपने वोट्स को कास्ट करते हैं। जो सेक्रेटरी जनरल होता है राज्यसभा का, वो रिटर्निंग ऑफिसर होता है फॉर द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर कुछ बेसिक फैक्ट्स थे जो कि हमें डिस्कस कर लिए हैं। सेकंड न्यूज़ पर हम चलते हैं, वी एग्री और नीड टू रिस्पेक्ट रिलीजन। तो यहाँ पर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आए हुए थे और यहाँ पर टॉक्स हुई हैं। तो बेसिकली इंडिया का यही कहना है कि हम यहाँ पर सारे रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करते हैं, इस्लामिक सेंक्टिटीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं, और हम कोई भी डिवाइसिव स्टेटमेंट्स नहीं चाहते हैं। और जो भी यहाँ पर डिवाइसिव स्टेटमेंट था वो यहाँ पर फ्रिंज एलिमेंट्स का था, और यहाँ पर जो करंट गवर्नमेंट है उसकी ये कोई भी आइडियोलॉजी को नहीं दर्शाता है। तो ईरान वो अमंग द इस्लामिक कंट्रीज़ जिसने यहाँ पर कंडेम किया था जो भी इंडिया में रिमार्क्स किए गए थे अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो ये उस रिगार्डिंग न्यूज़ थी। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो भी इसी इश्यू से रिलेटेड है, तो रिमार्क्स अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो मालदीव्स में जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा प्रो इंडिया गवर्नमेंट है, और वो हमेशा इंडिया को सपोर्ट करते हैं कि जो इंडिया है वो उनका यहाँ पर बेसिक एलाय है। प्रो इंडिया मालदीव्स गवर्नमेंट स्टूड इट्स ग्राउंड अंटिल अपोजिशन पुट प्रेशर। तो इन 2020 जो मालदीव्स और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं, तो यहाँ पर पाकिस्तान ने एक मूव खेलने की कोशिश की थी। पाकिस्तान ने ये सोचा था कि हम एक इनफॉर्मल कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑफ इन्वॉइस को सेटअप करेंगे, जिसकी वजह से जो इंडिया में इस्लामोफोबिया हो रहा है उसको काउंटर करने के लिए। तो इन 2020 मालदीव्स एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जॉइंड हैंड्स टू फॉइल अ मूव बाय पाकिस्तान टू सेटअप एन इनफॉर्मल कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑफ इन्वॉइस फ्रॉम OIC कंट्रीज ऑन इस्लामोफोबिया एट द यूनाइटेड नेशंस। क्यों? क्योंकि ये चाहते थे कि इंडिया को काउंटर किया जाए, लेकिन तब मालदीव्स और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने हमारा सपोर्ट किया था। लेकिन मालदीव्स की तरफ से भी इस बार स्टेटमेंट देखने को मिला है जो कि इंडिया को कंडेम कर रहा है। तो बेसिकली हमने मालदीव्स को यहाँ पर बहुत टाइट स्पॉट में रख दिया, क्योंकि मालदीव्स एक इस्लामिक नेशन है, तो वहाँ पर अगर इंडिया में कोई भी ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि अगेंस्ट इस्लाम है तो वहाँ की गवर्नमेंट को काउंटर करना पड़ेगा, नहीं तो फिर पॉलिटिक्स में फ़र्क पड़ता है। तो बेसिकली हमने मालदीव्स को बहुत ज़्यादा टाइट स्पॉट में डाल दिया, जिसकी वजह से मालदीव्स भी हमें लेकर डिफेंसिव हो गया। तो प्रो इंडिया मालदीव्स गवर्नमेंट स्टूड इट्स ग्राउंड अंटिल अपोजिशन पुट्स प्रेशर। तो रूलिंग एंड MDP डिफीटेड रेजोल्यूशन क्रिटिकल ऑफ द BJP लीडर्स रिमार्क्स बट वेरी ऑफ द अपोजिशन दैट पेंट्स इट एज एंटी इस्लामिक एंड प्रो इंडिया। इसने फिर यहाँ पर मालदीव्स की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू किया, और जो भी कॉमेंट्स इंडिया में दिए गए थे उसको यहाँ पर कंडेम किया। तो बेसिकली ये न्यूज़ बताने का सिर्फ यही एक पर्पज़ था कि आपको ये पता चले कि जो मालदीव्स में गवर्नमेंट है वो अभी प्रो इंडियन गवर्नमेंट है, लेकिन हम उसके बाद भी उस गवर्नमेंट को हमने इतना ज़्यादा टाइट स्पॉट में डाल दिया कि वो भी उन्होंने इंडिया को कंडेम करने के लिए स्टेटमेंट दे दिया।
नेक्स्ट है मिनिस्ट्री सीक्स फंड्स फॉर कोल फायर्ड पावर प्लांट्स, लेकिन बैंक्स ने मना कर दिया। बैंक्स ने क्यों मना किया, क्योंकि आरबीआई ने बेसिकली बैंक्स को ये कहा था कि आप किसी भी ऐसे पावर प्लांट को लोन दे रहे हो तो हो सकता है कि वो लोन यहाँ पर एनपीए में कन्वर्ट हो जाए, तो आपको मेरिट्स के बेसिस पर ही लोन देना है, नहीं तो आपके यहाँ पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो टेकिंग अ क्यू फ्रॉम द आरबीआई, बैंक्स आर लाइकली टू डिसाइड अगेंस्ट फंडिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ 13 इंपोर्टेड कोल फायर्ड पावर प्लांट्स, और यहाँ पर बैंक्स ने लोन देने से मना कर दिया। तो दिस कम्स आफ्टर द आरबीआई इन अ मिसिव सेंट इन मिड मे आस्क्ड बैंक्स टू एक्सरसाइज कॉशन इन लेंडिंग टू सच पावर प्लांट्स, और यहाँ पर बैंक्स को कहा कि आप मेरिट के बेसिस पर ही इन पावर प्लांट्स को लोन देना। तो वी वे नॉट प्रोवाइड फंड्स टू दोज पावर कंपनीज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ पावर मिनिस्ट्री, की अगर पावर मिनिस्ट्री कह दे कि इनको लोन दे दो तो नहीं देने वाली है बैंक्स लोन, और बैंक्स यहाँ पर मेरिट के बेसिस पर ही लोन देंगी। तो बेसिकली यहाँ पर एनपीए ना कन्वर्ट हो उसके लिए यहाँ पर आरबीआई ने गाइडलाइंस दी, और उसके बाद यहाँ पर बैंक्स उन गाइडलाइंस को फॉलो करना, और बैंक्स ने यहाँ पर लोन देने से मना कर दिया। अब इससे प्रॉब्लम क्या हो सकता है, प्रॉब्लम ये हो सकता है कि ये जो पावर प्लांट्स हैं वो बंद हो जाएं, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज है वो और ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाए, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। आगे हम चलते हैं, इस पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। अब यहाँ पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, तो यहाँ पर दो लीडर्स हैं जो कि एमएलए भी हैं, अब उनका ये कहना है कि वो वोट देना चाहते हैं लेकिन वो अभी जेल में हैं। अब उनके पास पावर है वोट देने की या नहीं है, तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। जो सेक्शन 62 क्लॉज 5 ऑफ द आरबीआई एक्ट है उसमें ये है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नो पर्सन लॉज्ड इन प्रिजन कैन वोट, लेकिन डिफरेंस होता है बिटवीन वोटिंग फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एंड राज्यसभा इलेक्शंस। जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं वो यहाँ पर गवर्न होते हैं बाय द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट 1952, और ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है एक्ट के अंदर जो कि प्रोहिबिट करता है कि जो अंडर ट्रायल है वो वोट नहीं कर सकता इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जो भी यहाँ पर अंडर ट्रायल है, जो कि अभी यहाँ पर कन्विक्ट नहीं हुआ है, वो यहाँ पर वोट नहीं कर सकता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि देर इज नो प्रोविजन अंडर द एक्ट टू प्रोहिबिट एन अंडर ट्रायल टू कास्ट अ वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। आगे हम चलते हैं, डू नॉट डिले किड्स ट्रीटमेंट ड्यू टू लैक ऑफ लॉन्ग टर्म क्लिनिकल ट्रायल्स। अब यहाँ पर किसी को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डिजीज़ है और उसके बारे में जो भी यहाँ पर मेडिसिन है या जो भी यहाँ पर ट्रीटमेंट है उसको लेकर स्टडीज़ ने नहीं बताया कि इससे डिजीज़ सही हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको ट्रीटमेंट नहीं दोगे, जो भी ट्रीटमेंट है वो देना पड़ेगा क्योंकि उसके पास भी यहाँ पर राइट टू लाइफ है। तो ट्रीटमेंट टू चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम रेयर डिजीजेज वुड नॉट मैरिट बींग डिफर्ड ऑन द ग्राउंड डेट लॉन्ग टर्म क्लिनिकल ट्रायल स्टडीज़ आर नॉट अवेलेबल। तो जो भी अवेलेबल है भले ही एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर अवेलेबल है, आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है ट्रीटमेंट। तो ये यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है। अब डीएमडी क्या होता है, तो मस्कुलर डायस्ट्रॉफी एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जो कि मसल्स को अफेक्ट करता है, और मसल्स को अफेक्ट करता है जिसकी वजह से मसल वेस्टिंग होती है और वो और ज़्यादा वर्स हो जाती है ओवर द टाइम। दैट हाउएवर शुड नॉट डिट्रैक्ट फ्रॉम द राइट ऑफ पेशेंट्स टू अंडर गो द ट्रीटमेंट। तो जो भी ऑप्शन अवेलेबल है तो उनके रिगार्डिंग ही यहाँ पर ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है, ऐसे दिल्ली हाईकोर्ट का वर्डिक्ट है। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंटरफेसेस की बात की गई, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा इंटरफेस किसके लिए। फॉर एग्जांपल बेराक बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल किसके लिए, तो बायोटेक के लिए है। इन स्पेस किसके लिए, स्पेस सेक्टर के लिए है। आईडेक्स किसके लिए, डिफेंस स्टार्टअप्स के लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आईडेक्स किसके लिए, इन स्पेस किसके लिए, बेराक किसके लिए। तो ये मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं कि कितने पेयर्स यहाँ पर करेक्ट हैं। आगे चलते हैं, द इनविजिबल सिटीजन ये हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो कि आप कोट कर सकते हो। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टर्न अराउंड स्टोरी। तो इंडिया ने क्यूएस रैंकिंग्स में इस बार अच्छा परफॉर्म किया है। अब ये जो अच्छा परफॉर्म किया है वो तो अच्छी बात है, लेकिन और भी कौन से स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, तो ये इसमें बताया गया है। तो इन द रिसेंटली अनाउंस्ड क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023, जो इंडिया के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने अब तक का अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। द क्यूएस रैंकिंग्स इवेलुएट अ यूनिवर्सिटीज़ परफॉर्मेंस, और यहाँ पर 6 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बेसिस पर रैंक किया जाता है। एक बार ये 6 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देख लेते हैं, एकेडमिक रेपुटेशन, एम्प्लॉयर रेपुटेशन, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, साइटेशंस पर फैकल्टी, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो। अभी पैरामीटर्स इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि एक बार ये जो वर्ल्ड बैंक का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसके पैरामीटर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ गए थे कि कौन से पैरामीटर्स में स्कोर इंक्रीज हुआ है, कौन से पैरामीटर में स्कोर डिक्रीज हुआ है। तो इसमें भी इस बार इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग्स में। तो यहाँ पर भी आ सकता है कि किस पैरामीटर में इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया जिसमें भी अच्छा परफॉर्म करता है तो उसके क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू उन पैरामीटर्स में जिसमें इंडिया ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, या उन रैंकिंग्स में जिसमें इंडिया की रैंकिंग नीचे। फॉर एग्जांपल हमने ईपीआई पढ़ा था जिसमें इंडिया को 180th रैंक मिली है, तो उसके एग्जाम में आने के चांसेस कम है एज़ कम्पेयर टू इसके, क्योंकि इसमें इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हुई है। तो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैव एस्टैब्लिश्ड अ सिग्निफिकेंट ग्लोबल स्टैंडिंग इन द क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग्स 2023, और यहाँ पर हमारा फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो इंप्रूव हुआ है, साइटेशन पर फैकल्टी इंप्रूव हुई है, इंटरनेशनल स्टूडेंट एडमिशन इंप्रूव हुआ है। अभी क्या और करने की ज़रूरत है,
तो हमें यहाँ पर स्टेट एक्सपेंडिचर बढ़ाने की ज़रूरत है ऑन एजुकेशन एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। जो इंटरनेशनल फैकल्टी की मोबिलिटी है उसको और ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। इंडिया में एजुकेशन पेनिट्रेशन बहुत कम है तो उसको इंप्रूव करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को इंक्रीज करने की ज़रूरत है। तो ये कुछ स्टेप्स है जो कि लेने की ज़रूरत है। जो नेक्स्ट आर्टिकल है कॉलिंग कैंसर्स ब्लफ, तो ये हम पिछले 2-3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की बात की गई है जो कि है दो स्टार लिमाब। तो दो स्टार लिमाब क्या है? ग्रुप ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है जो कि चेकपॉइंट इनहिबिटर्स की तरह काम करती हैं। अब कैंसर के ट्रीटमेंट में चेकपॉइंट इनहिबिटर्स की क्यों ज़रूरत है? अब चेकपॉइंट इनहिबिटर्स की इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि ये सिंथेटिक एंटीबॉडीज़ हैं जो कि उन प्रोटीन्स को ब्लॉक कर देती हैं। अब ये उन प्रोटीन्स को ब्लॉक कर देती हैं जिसकी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कैंसर सेल्स को अटैक नहीं कर पाता है। तो जो कैंसर सेल्स जिन प्रोटीन को यहाँ पर प्रोड्यूस करती हैं जिसकी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कैंसर सेल्स के ऊपर अटैक नहीं कर पाता है, ये जो दोस्तरनिमाब है ये उन सिंथेटिक एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है और उन प्रोटीन को ब्लॉक कर देता है। तो इसीलिए इसको बोला जा रहा है चेक पॉइंट इनहिबिटर्स। चेकपॉइंट इनहिबिटर्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ प्रोटीन्स, वो किस टाइप के प्रोटीन को यहाँ पर ब्लॉक कर रहा है। तो CTLA-4 इनहिबिटर्स, PD-1 इनहिबिटर्स एंड PD-L1 इनहिबिटर्स। अब यहाँ पर की कंपोनेंट कौन से होते हैं ह्यूमन सेल्स की? तो टी सेल्स होते हैं। तो इस बार क्वेश्चन भी आया था रिगार्डिंग टी सेल्स। तो ऑन देयर सर्फेस लाइज चेकपॉइंट प्रोटीन्स सम ऑफ विच स्विच ऑन द इम्यून रिस्पॉन्स टू फाइट इन्फेक्शंस, और वाइल दूसरे क्या करते हैं वो स्विच ऑफ कर देते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को। तो ये क्या करेगा? चेकपॉइंट इनहिबिटर्स का काम करेगा। तो आपको यहाँ पर दोस्तरनिमाब पता होना चाहिए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो कि सिंथेटिक एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करेगी और उन प्रोटीन्स को ब्लॉक कर देगी जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है कैंसर सेल्स को अटैक नहीं कर पाता है। अब यहाँ पर ऑथर ने यही बताया कि जो स्टडी की गई है वो बहुत कम लोगों के ऊपर की गई है, तो यहाँ पर स्टडी को और ज़्यादा इंक्रीज करने की ज़रूरत है, लार्जर पॉपुलेशन के ऊपर करने की ज़रूरत है, तब भी हम यहाँ पर रिजल्ट्स को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। आगे चलते हैं, हम यहाँ पर कुछ लोकेशन मेंशन है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो सिवरियो डोनेक्स कहाँ पर है? यूक्रेन में। फिर यहाँ पर दूसरी लोकेशन है लिशचेंक्स, ये कहाँ पर है? तो ये भी यूक्रेन का ही सिटी है एक। तो ये दोनों लोकेशंस आपको पता होना चाहिए। थाईलैंड पहला कंट्री बन गया एशिया में जिसने यहाँ पर मरिजुआना को लीगल कर दिया है। तो थाईलैंड मेड इट लीगल टू कल्टिवेट एंड पजस मरिजुआना एज ऑफ थर्सडे। अब यहाँ पर क्यों किया है लीगल? तो बेसिकली डीक्रिमिनलाइज किया है ओनली फॉर मेडिसिनल, मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल यूज़। जो कनाडा और उरुग्वे हैं तो ये दो कंट्रीज़ ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर मरिजुआना को लीगल किया फॉर रिक्रिएशनल पर्पस, लेकिन थाईलैंड ने यहाँ पर लीगल सिर्फ किया है फॉर मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल यूज़, और यहाँ पर रिक्रिएशनल पर्पस के लिए नहीं किया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। एक्सप्लेन पेज पर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बात की गई हाइपोगोनाडिज्म। अब हाइपोगोनाडिज्म क्या है? तो एक ये कंडीशन है जिसमें मेल सेक्स हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है जो कि टेस्टोस्टेरोन होता है। तो हाइपोगोनाडिज्म एक कंडीशन है जिसकी वजह से मेल सेक्स हार्मोन की कमी होती है, टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है। अब टेस्टोस्टेरोन की कमी को दूर करने के लिए एक ट्रीटमेंट होता है, लेकिन उस ट्रीटमेंट की वजह से एक रिसर्च से ये पता चला कि उस ट्रीटमेंट की वजह से जो कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स हैं उनके रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, स्ट्रोक के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस न्यूज़ में ऐसा आपको क्या पता होना चाहिए कि हाइपोगोनाडिज्म होता क्या है? हाउ द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड? अब अंडर आर्टिकल 62 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब यहाँ पर प्रेसिडेंट का टर्म एक्सपायर होगा तो उससे पहले यहाँ पर एक प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाना चाहिए। तो एन इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी कॉज बाय द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट शैल बी कंप्लीट बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म। और जो करंट यहाँ पर प्रेसिडेंट है उनका टर्म जो है वो एंड हो रहा है July 25 को, तो उससे पहले यहाँ पर इलेक्शंस हो जाएंगे। अब इलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है? तो प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज जिसमें MPs होते हैं दोनों हाउसेज के ऑफ पार्लियामेंट, और MLAs होते हैं ऑफ द स्टेट्स, और दिल्ली और पुडुचेरी के भी MLAs होते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट नहीं होते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, लोकसभा एंड असेंबलीज एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आर नॉट पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। अब यहाँ पर एक वोट की कितनी वैल्यू होगी वो कैसे डिसाइड किया जाता है? तो वोट्स आर वेटेड, देयर वैल्यू डिटरमाइंड बाय द पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट। तो हर स्टेट की पॉपुलेशन के बेसिस पर डिवाइड किया जाता है, और पॉपुलेशन यहाँ पर 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है। जो हर MLA का वोट होता है वो यहाँ पर वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश के MLA की जो वोट होगी वो 208 वैल्यू की होगी, लेकिन जो सिक्किम की होगी वहाँ पर सिर्फ 7 वैल्यू की होगी क्योंकि सिक्किम में यहाँ पर पॉपुलेशन की कमी है। तो UP में 403 MLAs हैं तो जो यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे 283,824 वोट्स, लेकिन सिक्किम में 32 MLAs हैं तो वो यहाँ पर सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे 224 वोट्स को। बाकी फिर यहाँ पर ये बताया गया कि 1992 में किस किस के बीच में इलेक्शन था प्रेसिडेंट का, तो ऐसा चाहिए इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको यहाँ पर प्रेसिडेंशियल प्रोसेस पता होना चाहिए जो कि हमने डिस्कस कर लिया। फिर नेक्स्ट है फास्ट रेडियो बर्स्ट। फास्ट रेडियो बर्स्ट क्या होता है? ये ब्राइट फ्लैशेस ऑफ लाइट होते हैं जो कि फ्यू मिलीसेकंड्स के लिए अपीयर होते हैं और उसके बाद यहाँ पर ये वैनिश हो जाते हैं। तो FRBs आर ब्राइट फ्लैशेस ऑफ लाइट दैट अपीयर फॉर अ फ्यू मिलीसेकंड्स एंड देन वैनिश। अब जो FRBs होते हैं
इस बार जो FRB मिला है वो डिफरेंट मिला है, अनलाइक मैनी अदर। तो अभी जो FRB मिला है वो फ्रीक्वेंट लाइट को एमिट करता है, बर्स्ट ऑफ रेडियो वेव्स को एमिट करता है, और बिटवीन बर्स्ट यहाँ पर हमें वीकर रेडियो वेव्स भी कॉन्स्टेंटली एमिट होते हैं। तो बस आपको FRBs पता होना चाहिए कि क्या होते हैं फास्ट रेडियो वर्स, जो कि ब्राइट फ्लैशेज ऑफ लाइट होते हैं जो कि फ्यू मिली सेकेंड्स के लिए अपीयर होते हैं और उसके बाद यहाँ पर ये वैनिश हो जाते हैं। यहाँ पर कॉर्वेट्स की बात की गई है, तो बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स को एक्वायर किया जाएगा फॉर द नेवी। तो दीज इंक्लूड नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स फॉर द नेवी एट एन अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ ₹36,000 करोड़। अब होता क्या कॉर्वेट, तो कॉर्वेट होता है स्मॉलेस्ट क्लास ऑफ नेवल शिप। स्मॉलेस्ट क्लास ऑफ नेवल शिप बहुत ज़्यादा एजाइल होते हैं और इनको कैटेगराइज किया जाता है एज मिसाइल बोट्स। द वर्ड कॉर्वेट हैज़ फ्रेंच एंड डच रूट्स। अब हमारे पास कौन सी क्लास के कॉर्बेट्स हैं, तो 4 कमरौता क्लास कॉर्बेट्स विद द नेवी आर INS कमरौता, INS कडमट, INS किल्तर एंड INS कवराती। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इससे पहले भी हमने इंडिजीनियस इक्विपमेंट्स यूज़ किए हैं अपने कॉर्बेट्स में, जो कि हमारा कमरौता क्लास है, उसमें जो शिखरी है वो सेंसर है, जो है वो इंडिजीनियस कॉन्टेंट है। इसके अलावा जो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स यूज़ किए हैं जैसे कि अजंता, दीज वेसल्स ऑल्सो ऑफ द संकट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स एंड कवच डिकॉय लॉन्चर्स। तो आपको ये भी बताना कि कवच सिस्टम और कहाँ यूज़ होता है, तो कवच, संकेत, अजंता और यहाँ पर शिखरी। तो ऐसा चाहिए, इंपॉर्टेंट नहीं, आपको बस ये पता होना चाहिए कॉर्बेट क्लास कौन सी हमारे पास, और उसमें यहाँ पर 4 कॉर्बेट क्लास जो हैं कमौरता क्लास कॉर्बेट्स, इनके नाम आपको पता होना चाहिए। इससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। बॉन्ड डील्स, नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। ऑनलाइन ऑफेंसेस, गवर्नमेंट प्रपोजल फॉर सेक्शन 66 से। तो सेक्शन 66 से इंडिया में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो चुका है बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द श्रेया शंगल केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लेकिन जो एक एडहॉक कमेटी है UN की, तो वहां पर इंडिया ने प्रपोज किया कि सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की तरह कुछ होना चाहिए। तो इंडियाज़ प्रपोजल बिफोर अ यूनाइटेड नेशंस एडहॉक कमेटी टू अडॉप्ट मेजर्स सिमिलर टू द कॉन्ट्रोवर्शियल सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो ऐसा हमने कुछ प्रपोज़ किया, लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर कंट्रीज़ ने इसको सपोर्ट नहीं किया और कंट्रीज़ का यही कहना है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को वॉयलेट करता है। अब सेक्शन 66A किसकी बात करता है, तो सेक्शन 66 से ये बात करता है कि जो ऑफेंसिव मैसेजेस हैं जो कि कम्युनिकेशन डिवाइसेस से भेजे जाते हैं, उनको यहाँ पर ऑफेंस की तरह ट्रीट किया जाए। लेकिन किसी भी कंट्री से हमें सपोर्टर नहीं मिला इस प्रपोजल को लेकर। तो ये आपको पता होना चाहिए सेक्शन 66A किससे रिलेटेड है और इंडिया में डिफंक्ट हो चुका है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।